मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की बड़ी किल्लत है। कई कई दिन गुजर जाते हैं, लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। ऐसे में मुंब्रा के अमीनाबाग चांद नगर का इलाका भी ऐसा ही है, जहां लोग रमज़ान के पहले से ही पानी की मार झेल रहे हैं। यहाँ के महिलाओं का कहना है कि नगर सेवकों से भी इसकी काफ़ी बार शिकायत कर चुके हैं, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पानी आने का कोई भी समय सीमा नहीं है। कभी अगर पानी आता भी है तो प्रेशर पानी का कम होता है, जिसकी वजह से किसी को पानी मिलता है तो किसी को नहीं। महिलाओं का ये भी कहना है कि पानी गंदा भी आता है। आपको बता दें कि मुंब्रा में कई इलाकों में गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमारी की चपेट में भी आ चुके हैं। यानी कि मुंब्रा में पानी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई बार महिलाओं ने पानी की किल्लत झेलते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। नेताओं ने भी पानी की समस्या को लेकर पानी पुरवठा विभाग का घेराव भी किया। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद कुछ दिन तक पानी तो ठीक आता है, मगर फिर वही पानी की समस्या दोबारा हो जाती है। मुंब्रा प्रभाग समिति के अध्यक्ष अश्विन राउत ने कहा है कि दीवा में पानी का प्रेशर है तो मुंब्रा में आखिर पानी का प्रेशर क्यों नहीं है। उन्होंने मंत्री जितेंद्र आव्हाड से भी इस पानी के मुद्दे पर बात की है कि आखिर मुंब्रा में पानी की समस्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। पानी के मुद्दे पर अश्विन राउत ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले चांद नगर अमीनाबाद की महिलाओं ने क्या कहा है वो सुनिए। पानी की तकलीफ है आप लोगों को? पानी की बहुत तकलीफ है, पानी ही नहीं मिल रहा है, एकदम से पीने को नहीं है। टैंकर बाहर आती तो वहाँ लफड़ा झगड़ा कौन करेगा। टैंकर नहीं, फोन बढ़ाओ पानी। हाँ। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? बोल तो रही भाई रमजान से 3-4 महीने। हम लोग को 6-7 महीना हो गया है, पानी ढंग से मिल रहा नहीं है, ना पानी आने का नाम है। पूरा रमजान तो ऐसे ही निकल गया पानी बिगड़ का, लेकिन बहुत पानी के लिए तपड़े। खास बोल के चांद रात के दिन भी पानी नहीं मिला हम लोग को, तो क्या बोलना। हाँ, ऐसे ही ईद की नमाज सब लोग ले, दो दो लोटा डाल के नमाज पढ़े। पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ है हम लोग को। अच्छा, पानी अगर आता है तो क्या वो साफ पानी आता है या गंदा? पूरा गंदा आता है, मिट्टी की तरह आता है पानी। और हम लोग का सब मोटर वोटर जो रहता है ना, वो भी खराब हो जाता है। उसमें बनाने के लिए पैसा अभी 2,000-3,000 डालो, फायदा ही नहीं होता है। 24 घंटा तो चालू कर करके देखते रहते कि पानी आएगा पानी आएगा, पानी आता ही पानी नहीं। आने का कोई समय उमय है या नहीं? कुछ नहीं है समय, रात के 2 बजे 2:30 बजे उठ के देखते हैं हम लोग, वो भी नहीं पता चलता है पानी आएगा। तो कभी बाई चांस पकड़ा तो 5 मिनट के लिए पकड़ेगा, 2:30 बजे पानी। तो 2 से 2.5 मिनट पानी आता है खाली? 2.5 मिनट का ले, 2:30 बजे आता है। अच्छा। रात के 2:30 बजे पानी आता है, वो भी 5 मिनट 3 बजे चला जाता है। तो कितना कोई इंसान पानी भरेगा? ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ के जो नगर सेवक वगैरह है उनको दिए थे क्या? नहीं, क्यों नहीं दिए? बताए थे, बहुत जन को दिए थे। किसको दिए थे? नगर सेवक को, सबको, बहुत जन को दिए थे। किसको नहीं मालूम है, सबको मालूम है। यहाँ पे जितने नगर सेवक है ना, सबको मालूम है। अच्छा, अभी जो पानी आ रहा है यहाँ पर, वो क्या प्रेशर में आ रहा है या उसका प्रेशर? नहीं, फेंक फेंक के, ऐसा फेंक फेंक के पानी आता है। पानी आता है, जाके डब्बे डब्बे बनना पड़ता। कितने देर पानी आता लगभग? वही 2:30 बजे आता है, वही 3 बजे तक फेंक फेंक के आता, फिर चले जाता। यानी पानी किसी को मिलता है किसी को नहीं? मिलता ही नहीं है, हम लोग को ही फेंक फेंक के मिलता है, किसको, हम लोग कहाँ से देंगे पीने। तो जाके आप घर देख लो, तलाशी कर लो आप घर, आप घर पे चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर पे नहीं चढ़ सकते, आप घर पे आके आप घर देख लो, बिल्कुल पानी नहीं है। वो टैंकर आता है, उसको भी मारा मारते, वो भी गंदा पानी मिलता तो हम लोग बाथरूम में जाते हैं। जो अच्छा रहेगा तो 2 डब्बे मिलेंगे पानी, बाकी का बोरिंग लाते तो बोरिंग भी खराब होगा एकदम। बनाते थे भाई मेरा, बनाता टैंकर से पानी आता इधर आता, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े। हम लोग नहीं आफत नहीं भाई झगड़े कर। वही कल परसों के दिन आपको समाचार में दी थी ना, क्या टैंकर कल आया है, कल परसों के दिन आया है टैंकर, वही भरे है अभी 2 दिन से। बताओ हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा है अगर टैंकर भी भेजेंगे तो क्या मतलब है, वही तो परेशानी की लड़ाई होगी, रोज के झगड़े होंगे। उसमें पूरा पैसा खाते हैं, किसको नहीं है, सब इंसान बीमार पड़ते हैं ना। ऐसा तो चाली में तो इतने जान को बोले, नीस वाले को कौन कौन आते रहते, मगर कोई बस खाली पूछ के जाते, फिर आते नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। मुंब्रा शहर में पानी की क्या समस्या है और आप मनपा में इस
इसके लिए क्या कुछ बांधने की है? देखिए, पानी एक ऐसी चीज है कि आए दिन इसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोग देखते हैं कि कभी हम लोग आंदोलन करते हैं तो कभी महासभा में इसके इशू उठाए जाते हैं। मुमरा की आबादी के हिसाब से पानी जो है हमको अपूरा है, पूरा नहीं है। हमने हर बार जो है MIDC से प्रेशर बढ़ाने की मांग किए थे, लेकिन क्या होता है कि आए दिन उन लोग एक दो दिन के लिए प्रेशर जो है बढ़ा कर दे देते, फिर देखो तो वही बात है। और इलीगल टैपिंग की वजह से बहुत सारे जो है मोटर्स लगते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सी जगहों पे लीकेजेस रहते हैं। अभी ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग रुके हैं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर भी इलीगल जो कनेक्शन है और जो लीकेजेस है खास करके उसके ऊपर जो है काम किया जाएगा, क्योंकि स्टाफ की कमी की वजह से काम करने में भी दिक्कतें आ रही है। रही बात पानी, जो तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा, आज दो दिन से पानी नहीं, तो शिलफटा के आगे जो एक बड़ी लाइन थी वो टूट गई है। कल से उसका काम शुरू था और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में उसका काम कंप्लीट हो गया है, तो बहुत सी जगहों पे पानी का जो है वो पानी शुरू किया था। इसके अलावा चारनगर, अमीनाबाद ऐसे और भी मुमरा के कई इलाके हैं जहाँ पानी की काफी समस्या है, लोगों का कहना है कि पानी ही नहीं आ रहा है। देखिए, अल्लाह का एहसान है कि हर साल मई महीने में जो है शटडाउन रहता है, इस साल शटडाउन नहीं है तो इतनी हम लोगों को परेशानी हो रही है। अगर शटडाउन रहता तो आप सोचो कि कितनी दिक्कत आती थी। ये बात और है कि पानी का प्रेशर कम रहने से कई कई इलाकों में पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे आजाद नगर का एरिया है जहाँ पे पानी के लिए जो है रोज आए दिन मारामारी होती है, हमको तो डर भी है कि कभी मर्डर भी ना हो जाए वहाँ पे। लोग इतना एक दूसरे के ऊपर उनके सर पे खून सवार होता है पानी के लिए। जैसे चार नगर का इलाका आपने कहा, रशीद कंपाउंड है, तो इसके लिए जो है मेरी आवाज साहब से बात हो गई है, जो हमारे गृह निर्माण मंत्री हैं, मैंने उनसे कहा है कि आप MIDC के जो CEO हैं उनसे आप बात कीजिए कि हमको जो है मुमरा का, जैसे दीवा का उन्होंने प्रेशर बढ़ाया है, पता नहीं उनको क्या एलर्जी है मुमरा से, क्योंकि दीवा में उन्होंने प्रेशर बढ़ा के दे दिया है लेकिन मुमरा में क्यों नहीं बढ़ा रहे ये पता नहीं है। तो इसलिए मैंने हमारे साहब से बात की, अवार्ड साहब से, और उन्होंने फौरन उसी वक्त उन ऑफिसर्स से बात की है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ये 3-4 दिनों के अंदर ही वो हमको प्रेशर बढ़ा के देंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।